और देखिए, जो गलती रूस के लूना 25 ने की वो चंद्रयान 3 नहीं करेगा। लैंडर विक्रम ने चांद से 25 किलोमीटर की दूरी पर जो कुछ देखा उसके बाद नई तैयारी शुरू कर दी गई है। लूना 25 के क्रैश होने के बाद जितने भी सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब आपको मिलेगा। क्यों चंद्रयान 3 की लैंडिंग की टाइमिंग चेंज की गई, क्या क्या 3 दिन तक होने वाला है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। इसरो ने जैसे ही ट्वीट कर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का टाइम 23 अगस्त की शाम 6:04 बताया तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन शुरू हो गया। सवाल उठे, चंद्रयान 3 की टाइमिंग में अचानक बदलाव क्यों हुआ, क्यों लैंडर की लैंडिंग टाइम 17 मिनट आगे बढ़ा दी गई, क्या लूना 25 के क्रैश होने से इसका कोई कनेक्शन है, क्या चंद्रयान 3 पर भी कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देश की करोड़ों उम्मीदें चंद्रयान 3 पर हैं। हर सेकंड धड़कन तेज होती जा रही है। मिशन मून को लेकर जितना सस्पेंस है उतने ही सवाल भी। लेकिन हर हिंदुस्तानी को ये जानना बेहद जरूरी है, लैंडर ने सिग्नल दिया, इसी के बाद लैंडिंग की नई टाइमिंग का फैसला हुआ। हर एक मिशन में एक एक सेकेंड मायने रखता है, किस सेकंड में कौन सा स्टेप लेना है और किस सेकंड में उस स्टेप को अंजाम तक पहुंचाना है, इस बात का गहराई से अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। चंद्रयान 3 में भी इसरो ने एक एक पॉइंट का, एक एक मैप का एक्यूरेट अध्ययन किया है और उसकी जानकारी इकट्ठा की है, तभी इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बदलाव तभी किए जब लैंडर से मैसेज आया। इसकी शुरुआत उसी वक्त हो गई जब लैंडर ने अपना काम करना शुरू किया, यानी फाइनल रिबूस्टिंग के बाद लैंडर की चांद की सतह से अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर और सबसे कम दूरी 25 किलोमीटर रह गई। 20 अगस्त के तड़के 1:53 पर लैंडर विक्रम का इंटरनल चेक सिस्टम ऑन किया गया। ये समझने की कोशिश की गई कि लैंडर किस हालत में है और फिर इसके बाद लैंडर ने चांद पर सूरज के उदय होने की टाइमिंग की स्टडी करनी शुरू कर दी। करीब 12 घंटे 30 मिनट तक रिसर्च चली और फिर लैंडर ने डिसाइड किया कि सॉफ्ट लैंडिंग की परफेक्ट टाइमिंग शाम 6:04 होनी चाहिए। वहां पर जाने पर होवर करेगा, देखेगा और मान लेते हैं देखने पर उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं पर, तो उसके पास इतना ईंधन है कि अपने आप को वो सपोर्ट कर सके। इसलिए सूरज की रोशनी एक कारण है लेकिन यह मुख्य कारण नहीं है। इंटरनली ही एक कैलकुलेशन पर सारा कुछ है, तो इसको रिकैलकुलेट किया होगा इसरो ने और रिकैलकुलेशन के बाद उन्होंने यह समय दिया। चंद्रयान 3 वो गलती नहीं करने वाला है जो रूस के लूना 25 ने की, यानी सॉफ्ट लैंडिंग में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। इसरो का फोकस इसी पर है। लूना 25 अंधेरे में चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला था, उसे एक साल तक खोज करनी थी, जबकि चंद्रयान 3 के लिए जानबूझकर उजाले का वक्त चुना गया और इसके लिए सूर्योदय की कई सालों तक स्टडी की गई। लूना 25 और चंद्रयान 3 के इसी अंतर ने भारत की उम्मीदों को ज्यादा मजबूत बना दिया और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ता जा रहा है चंद्रयान 3। अभी चंद्रमा पर रात है, सूर्योदय 23 तारीख को होगा। कयास लगाए जा रहे हैं जब हिंदुस्तान में 23 अगस्त की शाम 6:04 होंगे तब चांद पर सूरज की किरणों से गर्मी रिलीज होना शुरू हो जाएगी और फिर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में पावर जनरेट करने वाले सोलर पैनल एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए लैंडिंग की टाइमिंग 23 से 24 अगस्त के बीच रखी गई थी जो कि अब 23 अगस्त की शाम को तय कर दी गई है। इसरो के मुताबिक अब मिशन चंद्रयान 3 के लिए सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो गया है और 3 बड़े चैलेंज ऐसे आने वाले हैं चांद पर खोज के लिए जिन्हें पार करना बेहद जरूरी है। पहला चैलेंज है लूना 25 वाली गलती नहीं करनी, यानी इसरो जल्दीबाजी में नहीं है, मिशन पूरा हो चाहे कुछ मिनट आगे पीछे हो। चैलेंज नंबर 2, जब 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो लैंडर की रफ्तार को कंट्रोल करना है। फिलहाल लैंडर की जो रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड है उसे 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाना है।
अगर ये 3 मीटर प्रति सेकंड भी रहती है तो भी दिक्कत नहीं आएगी। चैलेंज नंबर 3 है चांद की सतह पर लैंडिंग स्पॉट को खोजना। लैंडर विक्रम को दिक्कत नहीं आए इसलिए ऐसा इलाका चुना जाएगा जहां क्रेटर्स बहुत ज्यादा पथरीले ना हो, यानी लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान बैलेंस बनाना आसान रहे। और चंद्रयान 3 इसमें कामयाब हो गया तो फिर दुनिया हिंदुस्तान के इतिहास को देखेगी, महसूस करेगी, पढ़ेगी और समझेगी। कोई मुश्किल आ जाए और पायलट प्लेन को अपनी कुशलता से कोई सेफ जगह उतार दे तो उस तरह से उसमें इंटेलिजेंस हमने भर के रखी है लैंडर में, जिसका उपयोग करते हुए वो अपने इमेजेस लेके सेफली लैंड कर पाए, उतनी उसमें इनफ इंटेलिजेंस वो कंप्यूटर में जो हमने डाल के रखी है लैंडर के। फिलहाल चांद से लैंडर की जो रिपोर्ट आ रही है वो एकदम सॉलिड बताई जा रही है। लैंडर विक्रम स्वस्थ है, उसके पहिए ओके हैं, लैंडर का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा सही है, रिएक्शन व्हील्स भी परफेक्ट है, कारा यानी के ए बैंड अल्टीमीटर भी ठीक है। लैंडर विक्रम के तीनों पेलोड यानी चेस्ट पेलोड, रंभा एलपी पेलोड और इसला पेलोड भी परफेक्ट है। इसके अलावा सोलर पैनल भी काम कर रहा है, वार्म इलेक्ट्रिक बॉक्स भी सही कंडीशन में है, रोवर के होल्ड डाउन भी ठीक है, रोकर बोगी भी सही है, पहिए घुमाने वाली असेंबली भी परफेक्ट है, चेसिस की कंडीशन भी परफेक्ट है और कैमरा भी ठीक है। यानी अब तक जितनी भी रिपोर्ट आई है वो सही है, सॉफ्ट लैंडिंग से पहले कोई दुविधा नहीं। अब लैंडर जैसे ही सूर्योदय के वक्त सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो हिंदुस्तान का चमत्कार होगा और दुनिया इसे नमस्कार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के चांस इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार 21 बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक के हैं, मिशन से लेकर उपकरण तक के हैं। सवाल है कि आखिर इसरो इस बार क्यों चंद्रयान 3 को लेकर इतना आश्वस्त है, तो इसका जवाब इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान का जो सपना 4 साल पहले पूरा नहीं हो सका अब वो साकार होने जा रहा है। साल 2019 की कसक चंद घंटे बाद पूरी होने वाली है। चंद्रयान 3 जैसे ही चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग के चांस इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि इस बार पिछली गलतियों को सुधारा गया है। चंद्रयान 3 में गुंजाइश इस बात की है कि अगर कोई चूक हुई तब भी मिशन कंप्लीट होगा, कैसे और क्यों तो इस सवाल का जवाब भी आप जान लीजिए। यही वजह है कि आम हिंदुस्तानी से लेकर इसरो वैज्ञानिक तक बहुत आशान्वित हैं। इस बार हिंदुस्तान चांद पर इतिहास रच देगा। इस बार उसके लिए हम लोगों ने क्या डाला, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर। यह जाएगा, बताएगा कि हाँ आपकी गति ठीक है या नहीं है, और फिर जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होगा वह इसकी गति को तेज करेगा या इसकी गति को धीमा करेगा। चंद्रयान 2 उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था जिस मुकाम के साथ उसे लॉन्च किया गया था, और फिर पता चला कि मिशन चंद्रयान 2 के फेल होने की 3 बड़ी वजह थी। पहली वजह थी चंद्रयान 2 में 5 इंजन का होना, दूसरी वजह थी ज्यादा स्पीड के कारण क्राफ्ट से कंट्रोल छूटना, और तीसरी वजह थी लैंडिंग के लिए लैंडर इलाका नहीं ढूंढ पाया। जानकार मानते हैं अगर इन वजहों की शायद पहले से स्टडी की गई होती तो आज भारत ये मुकाम 4 साल पहले ही हासिल कर चुका होता। माना जाता है कि स्पीड कम करने के लिए जो 5 इंजन लगाए गए थे उनके चलते अधिक दबाव पैदा हुआ। वैज्ञानिक भाषा में दबाव को थ्रस्ट कहते हैं, और फिर इसी थ्रस्ट के कारण लैंडर अस्थिर हो गया, और जब बैलेंस गड़बड़ाया तो लैंडिंग रास्ते से जुड़ी गड़बड़ी सामने आकर खड़ी हो गई,
और फिर कंट्रोल करने में दिक्कत पैदा हो गई। ज्यादा थ्रस्ट के कारण क्राफ्ट बैलेंस नहीं कर पाया और चूंकि लैंडिंग स्पॉट छोटा था उसे लैंडर आसानी से खोज नहीं पाया और स्पॉट पर पहुंचने से पहले फेल हो गया। पूरे हिंदुस्तान ने इन तस्वीरों को देखा मगर नाउमीदी के बीच चंद्रयान 2 से बहुत बड़ी सीख मिली और इसी का उदाहरण है कि मैच 4 सालों के भीतर भारत ने अपने कदम मिशन की ओर बढ़ा दिए। पिछली बार की जो असफलता मिली थी उससे सीख करके जो जहाँ जहाँ हमको योग्य लगा उन प्रणालियों में परिवर्तन किए गए हैं और लगभग 21 प्रणालियों में जो कि उसमें हार्डवेयर भी इन्वॉल्व है सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व है अलग अलग नए सेंसर डालने थे तो वो भी डाले गए हैं। और 4 साल का इंतजार कहने के लिए बहुत है मगर विज्ञान की भाषा में ये आइडियल है। इतने कम वक्त में निराशा को पीछे छोड़ आगे बढ़ने की उम्मीद ही चमक में परिवर्तित होती है इसलिए चंद्रयान 2 से कुछ बदलाव चंद्रयान 3 में किए गए। मसलन चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर था प्रज्ञान रोवर था और एक ऑर्बिटर था जबकि चंद्रयान 3 में पेलोड के तौर पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ही है। चंद्रयान 2 के लिए लैंडिंग साइट 500x500 मीटर थी जबकि चंद्रयान 3 के लिए 2.5 किलोमीटर की लैंडिंग साइट है। चंद्रयान 2 का वजन 3,887 किलोग्राम था जो कि इस बार घटाकर 3,841 किलो 400 ग्राम है। मिशन चंद्रयान 2 में चंद्रयान की स्पीड कम करने के लिए 5 इंजन लगाए गए थे लेकिन इस बार 4 इंजन के जरिए ही चंद्रयान 3 अपने मिशन पर है। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के स्टैंड 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से उतारने के लिए बने थे इस बार विक्रम लैंडर के स्टैंड को 3 मीटर प्रति सेकंड की गति के लायक बनाया गया है। चंद्रयान 2 में लैंडर की ऑन बोर्ड पावर थी 650 वॉट जबकि चंद्रयान 3 में ऑन बोर्ड पावर बढ़ाकर 738 वॉट कर दी गई है। इसके अलावा चंद्रयान 2 की कुल लागत 978 करोड़ रुपए थी जो इस बार कम है यह आंकड़ा 615 करोड़ रुपए है। हम लोगों ने क्या किया इस पूरे पहलू के लिए सॉफ्टवेयर किया पहलों को मजबूत किया उस स्थान पर साथ ही साथ है यहाँ पर इस पे ईंधन की मात्रा अधिक थी लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर थी जिससे कि हमें ऊंचाई का अच्छी तरीके से ज्ञान हो सके सॉफ्टवेयर बहुत उन्नत थी यहाँ पर और लैंडिंग टेक्निक को हम लोगों ने पूरी तरह से बदल दिया 5 इंजन है अब हमारे पास में जिससे कि यह आसानी से हो सके सोलर पैनल को एक्सटेंड किया तो इसी रूप में हम लोग इसको इस स्टेज पर लाए हैं। खास बात यह है कि इस बार लैंडर के 6 पहिए को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इसरो के मुताबिक इस बार विक्रम लैंडर के पहिए पिछले मशीन के लैंडर से करीब 50% ज्यादा मजबूत हैं। इसके अलावा इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई सेंसर या सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर दे तब भी विक्रम लैंडर चांद पर उतरने में कामयाब रहेगा। तो इंतजार अब 23 अगस्त की शाम का है जब लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होगी और फिर रोवर इस टास्क को आखिर तक ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट टाइम्स नाउ नव भारत।